ला राम रहीम नो नेक्स्ट क्वेश्चन एलेवन ऑफ पेपर टू थाउजेंड फिफ्टीन इज़ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ हिन बोरेल थियोरम वेस्ट्रेस बुल्जानो थोरम कैंटर्स इंटरसेक्शन थियोरम और नन ऑफ दिस तो हम इन सब की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या हैं फिर उनमें से आंसर करेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट कौन से थियोरम की हैं हीन बोरेल थ्योरम स्टेट्स दैट अ सबसेट एस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज एंड बाउंडेड तो यहाँ से तो क्लियर है कि ये हीन बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन नहीं है कैंट इंटरसेक्शन थ्योरम क्या है अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस सी के ऑफ नॉन एमटी क्लोज एंड बाउंडेड सबसे नंबर्स हैज़ अ नॉन एमटी इंटरसेक्शन तो ये भी टोटली totally चेंज लग रही है इस गिवन स्टेटमेंट से तो हम वेस्ट्रेस बुलजानो थियोरम की स्टेटमेंट देखते हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ये वेस्ट्रेस बुलजानो थ्योरम की रियल एनालिसिस में डेफिनेशन है ठीक है तो यहाँ पे ये भी हमें चेंज लग रही है तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी में वेस्टर्स बुलजानो थ्योरम किस तरह से गिवन है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एन अकोमोलेशन पॉइंट इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ठीक है तो ये स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो वेस्ट्रेस बुल्जानो थ्योरम की है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये लिमिट का क्वेश्चन है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो जेड कॉन्जुकेट ओवर जेड इज ठीक है इसको हमने सॉल्व करना है वेयर जी इज अ कंप्लेक्स नंबर तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे x कॉमा वाई और इसका कंजुगेट क्या आएगा आयोटा के साथ वाली टर्म जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है तो जी कांजुगेट का आंसर क्या आया है एक्स माइनस आयोटा वाई तो लिमिट जेड अप्रोचेज टू ज़ीरो जेड कांजुगेट ओवर जेड इज इक्वल टू लिमिट इस जेड को हम ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई लिख सकते हैं और जेड एक्स और वाई की टर्म में है तो लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ जीरो कॉमा ज़ीरो आ जाएगी ठीक है इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी अब यहाँ पे एक पॉइंट देखने वाला है कि अगर हम एक्स वाई ड्रा करें, सेंटर में आएगा जीरो कॉमा जीरो अगर हम एक्स पे लिमिट जेड अप्रोच कर रही है जीरो को ठीक है अगर एक्स अप्रोच करती है जीरो को तो हम क्या कहेंगे ऑन एक्स एक्सिस y वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो ठीक है? तो हम क्या करेंगे लिमिट एक्स कॉमा जीरो टेंस टू जीरो कॉमा जीरो जहां पर वाई है वहां पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है जीरो तो यहां से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स वाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ गया वन अब अगर हम क्या करते हैं कि y से लिमिट को अप्रोच कराते हैं जीरो को अलोंग y एक्सेस तो यहां पे x की वैल्यू जीरो होगी तो हमारी लिमिट क्या बनेगी जीरो कम वाई टेंस टू जीरो कम है एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा वाई ओवर आयोटा वाई आ जाएगा ये कैंसल तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन तो लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी वाई टेंस टू ज़ीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अब यहाँ पे अगर आप दोनों लिमिट्स को चेक करें एक का आंसर आ रहा है वन सेकेंड का आंसर आ रहा है माइनस वन दोनों सेम नहीं हैं तो लिमिट में क्या होता है अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लें तो हम क्या कहते हैं लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया है एक्स के अलॉन्ग अप्रोच कराया लिमिट को और बाई के अलॉन्ग तो आंसर सेम नहीं आया इसलिए लिमिट जेड अप्रोच टू ज़ीरो जेड कंजुगेट ओवर जेड डज नॉट एग्जिस्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमने बताना है कि काशी रिमेन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म कौन सी गें मतलब ए ऑप्शन है बी सी या डी तो ये हमने पढ़ी हुई है कम्प्लेक्स एनालिसिस में कि काशी रिमेन इक्वेशंस कार्टिजियन प्लेन में इसकी क्या वैल्यू होती है और पोलर फॉर्म में क्या वैल्यू होती है ठीक है तो अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जी किसके इक्वल है यू प्लस आयोटा वी तो कार्टीजियन प्लेन में काशर मेन इक्वेशंस होती हैं पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज़ इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और पोलर फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू होती है पार्शियल ये यू जो है ये आर और थीटा का फंक्शन है तो पार्शल यू बाय पार्शल आर इक्वल होगा वन बाय आर पार्शल वी बाय पार्शल थीटा एंड पार्शल वी बाय पार्शल आर इज इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर पार्शल यू बाय पार्शल थीटा तो इसमें सिर्फ प्लस माइनस की चेंजेस की हुई हैं इन्होंने तो अगर हम अपनी पोलर फॉर्मिंग सी आर इक्वेजन्स देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इवेल्युएट द इंटेग्रल अलोंग सी वेयर सी इज द सर्कल ठीक है जी स्क्वेयर माइनस जी प्लस वन ओवर जी माइनस वन वियर जी मॉड इज इक्वल टू वन बाय टू यहां पे हमें क्या गिवन है जी मॉड इक्वल टू वन बाई टू बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमने पढ़ा हुआ है कि z माइनस ए इक्वल टू आर हो तो a क्या कहलाता है सेंटर ठीक है जिस पे हमारी डायग्राम बन रही है और r क्या होता है रेडियस ठीक तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है z माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन बाई टू तो ए की वैल्यू क्या आई है ज़ीरो और आर की वैल्यू वन बाई टू इसका मतलब है हमारा जो सर्कल है वो एक्स वाई एक्सिस में जो सेंटर होता है जीरो कॉवा ज़ीरो उस पर रहा है उसका सेंटर ठीक है और रेडियस इसका वन बाई टू है और यहाँ यहाँ पे जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इसका मॉड लें तो आ जाएगा एक्स केयर प्लस वाई जी मॉड की वैल्यू हमें गिवन है वन बाई टू दोनों साइड पे स्केयर लें तो ये बन जाएगा एक्स केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू वन बाई टू स्केयर तो एक्स केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है हम अब सर्कल ड्रा कर लेते हैं सेंटर जीरो कॉम जीरो और वन बाई टू रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा किया अब हमने क्या चेक करना है कि हमारा सिंगुलर पॉइंट कौन सा है तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में जो डीनोमिनेटर गिवन होता है वहाँ से हम चेक करेंगे z माइनस वन को इक्वल टू जीरो पुट करें तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी वन या इस तरह से भी आप कह सकते हैं अगर z माइनस ए डिनोमिनेटर में z माइनस ए गिवन है तो ये जो a की वैल्यू है a वो क्या होगी सिंगुलर पॉइंट तो सिंगुलर पॉइंट बेसिकली ये होता है कि हम वो वैल्यू पुट करें ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा गिवन फंक्शन अनडिफाइन आ जाए ठीक है तो अगर हम कंपेयर करें z माइनस ए यहां पे z माइनस वन की वन है तो सिंगुलर पॉइंट a की वैल्यू क्या आ गई वन अब यहां पे एक चीज ये देखनी है कि अगर क्या हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कहा लाएक आ है सर्कल के ऊपर सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर तो यहाँ पे वन पॉइंट कहाँ आएगा ये वन बाई टू है तो ये वन पॉइंट होगा तो यहाँ पे ओबियसली वन हमारे सर्कल के बाहर मौजूद है तो यहाँ पे काशी थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन अलोंग दिस सर्कल एफ ऑफ जी डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास फंक्शन क्या आगे वन है जी स्क्र माइनस जी प्लस वन ओवर जी माइनस वन और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो बाई काशी थ्योरम ये काशी थ्योरम क्या स्टेट करता है कि सिंगुलर पॉइंट अगर सर्कल से बाहर मौजूद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन जीरो होगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी जीरो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी कम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पेपर में आया होता है इसमें क्या हमने फाइंड आउट करना है माइनस आयोटा की पार आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म का ठीक है तो उसकी पावर a लें तो वो इक्वल होता है e की पार लॉग ऑफ जी वेर लॉग ऑफ जी इज अ कम्प्लेक्स लॉग्रिथमिक फंक्शन डिफाइंड एज लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू नेचुर प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी और यहाँ पे हमें पता है मॉड ऑफ जी मैग्नीट्यूड है उस कम्प्लेक्स नंबर की जिसकी वैल्यू क्या होगी इसके रूट एक्स के प्लस वाई स्केर और आर्गूमेंट एंगल थीटा जो बना रहा होता है वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान जो कम्प्लेक्स नंबर बना रहा है उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स अब ये दो डेफिनेशंस हमने पुट करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है माइनस आयोटा के पार आयोटा फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जेड की क्या वैल्यू है माइनस आयोटा और एक इसकी इक्वल है आयोटा की तो ये इक्वल हो जाएगा ई की पार a की जगह क्या पुट करेंगे आयोटा लॉग ऑफ जी की जगह माइनस आयोटा अब यहाँ पे लॉग ऑफ माइनस आयोटा ये ई की पार आयोटा एज इट इस, इज़ और इसकी डेफिनेशन हमने पुट कर दी है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरो मौजूद है जीरो स्क्वायर इसका मॉड जब लेंगे ज़ीरो स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या मौजूद है माइनस वन तो माइनस वन और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं x कंपोनेंट इसका ज़ीरो है माइनस आयोटा के साथ वन मौजूद है माइनस वन तो ये तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग वन माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे देखें हमें पता है टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट इनवर्स आ जाए तब भी ये होल्ड करेगा तो माइनस हमने बाहर ले लिया है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और टेंजेंट इन्फिनिटी कब देता है जब थीटा की वैल्यू पाई बाय टू हो ठीक तो ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा पाई बाय टू ये माइनस आयोटा स्केयर पाई बाय टू बन जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर पाई बाय टू सो द करेक्ट आंसर इज सी इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का फॉर एग्जांपल हमें कह दें वन प्लस आयोटा रेस टू बार आयोटा या वन प्लस आयोटा रेस टू बार माइनस आयोटा कुछ भी गिवन हो सकता है तो हमने सिर्फ ये दो डेफिनेशंस पुट करनी है, और आंसर फाइंड आउट कर लेना है